स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं आज मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो आ गई है HDFC बैंक के ऊपर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनफैक्ट आई बटन पे भी मिल जाएगी, आप लोग जाके ये सारी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इधर बात करते हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं लगातार वीडियो सारी अपलोडेड है क्योंकि आप लोग को पहले से पहले इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ का है, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। और जिन किन्हीं को भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं रिलायंस शेयर्स के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते अभी उसकी शेयर्स ओपन हो रही है, मतलब शेयर की चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई और बहुत सारी मैसेज आई, इंस्टाग्राम से बात करें, ट्विटर से बात करें या डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट सेगमेंट से भी बात करें तो बहुत सारी मतलब मैसेज आई कि आगे हम लोगों को क्या रणनीति निभाना है क्योंकि इसमें गिरावट भी आ रही है, तेज़ी भी आ रही है, क्या करना चाहिए आगे में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी आते हुए दिखी थी, फिर उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली है। क्या आपको और भी इसी तरीके से गिरावट देखने को मिल सकती है? तो ऑफकोर्स मिल सकती है, स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% नहीं बता सकता। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्या जो मेन चीज़ बताना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे प्राइस चल रही है 2101 की अभी करेंटली प्राइस चल रही है। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर 5 डेज पे देखते तो 5 डेज में अच्छी खासी उतार चढ़ाव मार्केट में बनी रही है, तो अच्छी खासी उतार चढ़ाव भी बनी रही। पर यहाँ पे 6 मंथ पर फोकस करते हैं और 6 मंथ में आप लोग देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को कभी ये ब्रेक नहीं करती। तो मेरी पुरानी वीडियो में भी मैंने बात किया था इसके सपोर्ट लाइन जिसको ये ब्रेक नहीं करती है, पर यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है कि क्या ये ऊपर जाएगी यहाँ से, तो ऑफ कोर्स ऊपर जाएगी। अब रीजन इसके पीछे क्या है, क्योंकि इसके पीछे न्यूज़ तो बहुत आ रही है और जो अभी ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट होते हुए दिख रहा है इसके पीछे कारण क्या है, ये जो जितना भी गिरावट आपको अभी छोटा मोटा गिरावट देखने को मिल रहा है इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण है करेक्शन। तो ज़रूरी है करेक्शन मार्केट में। और आप लोग के पास यहाँ पे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। मैं वो इसीलिए डोनेट करूँ मतलब शो कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता चले ये आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से क्या क्रिएट होगा, प्रॉफिट। तो अपॉर्चुनिटी से होगा क्रिएट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जैसे ही आप लोग को मिलेगा आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अभी आप लोग के पास सही ऑप्शन है, मतलब ये शेयर्स को बाई करके अच्छा खासा 10-15% तक का रिटर्न उठाने का। अब मैं ऐसा बात क्यों कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम मैं झूठ बोल सकता हूँ पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिलीवरी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा ली जा रही है, लगातार 53, 51, 50, 40 के बीच में डिलीवरी उठाई जा रही है, 60 के बीच में भी डिलीवरी उठाई जा रही है। पर आप लोग देख सकते हैं लगातार इसी तरीके से डिलीवरी उठाते हुए आपको मार्केट में दिख रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन 53.61% मतलब अच्छी खासी डिलीवरी उठाते हुए दिखी है और आगे के टाइम में ये शेयर्स बहुत ही बूम करने वाली है। अब रीज़न क्या है बूम करने का, पहले जियो, फिर उसके बाद आता है प्लस 5G, 5G के बाद आता है, ये सब नेटवर्किंग का बस मैं बात कर रहा हूँ। इनकी पार्टनरशिप किसके साथ हुई है, गूगल। तो ये सारा पार्टनरशिप ये टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में बात आता है। अब आता है ऑयल का बात, तो यहाँ पे ऑयल प्लस सऊदी, सऊदी से जो भी कॉन्ट्रैक्ट सब हुआ है, फिर इनकी रिलायंस की जितनी पेट्रोलियम है, तो ये सारी चीज़ पेट्रोलियम के साइड से आता है। फिर अब इसकी एक और बात करते हैं, रिलायंस की ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स AJIO, ठीक, AJIO, फिर देन जियो मार्ट के बारे में बात हो रहा है और जियो मार्ट भी एक अच्छा खासा कॉम्पिटिट करने वाली है मार्केट में, आते ही एक अच्छा कॉम्पिटिशन देगी आपको जियो मार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं आगे के न्यूज़ के रिगार्डिंग, न्यूज़ क्या क्या आई है निकल के, तो मेन फोकस हम लोग का न्यूज़ के साइड भी रहना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ तो बहुत सारी है, पर जो मैं ऑयल के रिगार्डिंग न्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल के रिगार्डिंग न्यूज़ जो आ रही है रिलायंस, तो रिलायंस का ये जो ऑयल के रिगार्डिंग अबू धाबी से ये न्यूज़ आई है, मतलब 30,000 करोड़, मतलब 30,000 करोड़ आप लोग समझ सकते हैं, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। मेगा केमिकल प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रहा है और ये चीज़ पे याद से हम लोग को फोकस रखना है, ये चीज़ पे फोकस रखना है, इसकी 5G के रिगार्डिंग में फोकस रखना है। तो ये 5G के रिगार्डिंग में हम लोग को बढ़ते हुए देखना है और आगे भी इसको और सब भी स्टॉक के मतलब बहुत सारे, जैसे मोतीलाल हो गए, शेर खान हो गए, यस सिक्योरिटी हो गए, ICICI सिक्योरिटी हो गए, तो ये सारे स्टॉक ब्रोकरेज बोल रहे हैं कि इसमें तेजी आएगा। इनफैक्ट टारगेट तो नहीं बताए गए उनके तरफ से, पर तेजी आएगा। हम लोग को कितना का टारगेट रखना है, तो
आउट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप ये शेयर्स रख रहे हैं तो आराम से आप लोग 3000 भी टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि इस शेयर्स को टाइम नहीं लगेगा 3000 तक जाने के लिए, तो तुरंत आप लोग को 3000 भागते हुए भी ये शेयर्स दिख सकती है। पर अभी डरने की बात नहीं, आप लोग के पास अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करना चाहिए। मैं ये चीज़ बार बार बोलूँगा, अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे फॉर्मेलिटी के थ्रू अपना बात कर लेते, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, 2118 रुपीज़ पे ओपन हुई थी और यहाँ पे हाई गई है 2123 और लो गई है 2095 तक लो गई है। अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, आप लोग के पास इंट्राडे का भी चांसेस बनता है, पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे आप लोग अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इसमें, और जल्दी ही आप लोग को ये शेयर बहुत ही तेज़ी बनाते हुए मार्केट में दिख सकती है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, और जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपसे भी, आपके फ्रेंड से भी, किसी से भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं छूटना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप वीडियो शेयर करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, तो सबको ये चीज़, आप वीडियो शेयर करेंगे तो सबको ये चीज़, अगर आप इस कंपनी का शेयर्स बाई करते हैं तो अगर आप ये वीडियो को शेयर करते हैं और सबको भी रिकमेंड करते हैं बाई करने के लिए, तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का भी तो कहीं कहीं ना कहीं गेम चलेगा। तो इस चीज़ पर भी फोकस करना है आप लोग को, ऐसे आप लोग के मन के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग को शेयर करना है कि नहीं, पर हाँ इस शेयर्स को बाई करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है आप लोग के लिए। जो भी आप लोग के स्टॉक मार्केट के कांटेक्ट में है, फ्रेंड्स या जो भी कोई है, मतलब फादर या आपके कोलीग्स, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि उन लोग को पता चलेगा कि रिलायंस में अभी आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है। बहुत लोग पेनी स्टॉक में लगाते हैं पैसा, पर पेनी स्टॉक में अभी लार्ज कैप कंपनी में भी आप लोग पैसा लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा ग्रो करते हुए मार्केट में दिख जाएगी। आपको मेनली क्या फोकस करना है, आपको ये नहीं फोकस करना है कि क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी पर फोकस कीजिए। मतलब क्वांटिटी आपको ये ज़रूर आप लोग को, अगर बात करें तो आप लोग को 10,000 लगाना है तो अप्रॉक्स 5 शेयर्स ही आप लोग को मिल पाएगा, और इनफैक्ट अगर बात करें और कोई में तो ज़्यादा मिल पाएगा, पर ये 5 का जो क्वांटिटी ही बहुत अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बहुत अच्छा गेन करके दे सकता है ये शेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिन किन्हीं को भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, आप लोग जाके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी अपस्टॉक्स में, जिसमें नामात के बराबर ब्रोकरेज चार्ज लगती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने HDFC बैंक का भी मतलब वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग ये देखना मत भूलिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में याद से दे दूंगा, और आप लोग के लिए लगातार ही वीडियो अपलोड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। अब एक बार मैं फिर से बताता हूँ, रिलायंस की जो आपको नॉर्मल टारगेट रखनी है वो आगे के लिए, मतलब अगर कुछ महीनों की बात करते हो, महीनों की टारगेट में आप लोग को 2300 तक 2400 तक की टारगेट रखनी चाहिए, और उससे ज़्यादा का टारगेट का प्लान मत कीजिए। मतलब अगर करते भी है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, पर आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑफकोर्स आप लोग 5 ईयर से लेकर 1 ईयर या 2 ईयर तक रख सकते हैं, पर अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म से नहीं उतना करना है, 1 मंथ के तक में करना है, तो टारगेट आप लोग अपना यही तक रख सकते हैं, 2300 तक रखिए या 2400 तक अपना टारगेट बना के रखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।